हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मींस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब हम किसी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस के कारण पानी सेल के बाहर आने लगता है, और अगर ये एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू रहती है तो कुछ समय के बाद जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होकर एक स्फेरिकल शेप में सेल के एक छोटे से पार्ट के रूप में सेल में एक कोने में व्यवस्थित हो जाता है, अरेंज हो जाता है। इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। दैट इज प्लाज्मोलाइसिस इज अ डिटैचमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डिटैच हो जाता है ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम इट सेल वॉल। जो सेल वॉल से अभी तक अटैच था प्रोटोप्लाज्म, वो उससे डिटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो एक्सोऑस्मोसिस शो करता है। एक्सोऑस्मोसिस के कारण जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से अटैच होता है। दैट इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या डिटैचमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस सेल से पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्जिड सेल में जो सेल सैप होता है वो प्रोटोप्लाज्म को पुश करता है, जिसके कारण वो प्रोटोप्लाज्म सेल के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। यानी कि अगर ये एक सेल है, तो ये सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म इसके क्लोज कांटेक्ट में होता है। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, सेल वैक्यूल सब प्रेजेंट होता है, तो ये सब इसके क्लोज कांटेक्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि जब टर्जिड सेल होती है तो वाटर ज्यादा होता है। वाटर ज्यादा होने के कारण सब सेल को टर्जिड स्टेज में बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं इस स्टेज को। और टर्जिड सेल के कारण जो वैक्यूल है वो इस सेल कॉन्टेंट पर, प्रोटोप्लाज्म पर एक प्रेशर लगाता है, जिससे ये प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से क्लोजली अटैच रहता है। लेकिन जब एक्सोऑस्मोसिस होती है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल से डिटैच होने लगता है, और इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब हम प्लाज्मोलाइसिस को तीन स्टेप्स में पढ़ेंगे। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, ये फर्स्ट स्टेज है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, ये सेकेंड स्टेज है। और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये लास्ट स्टेज है। सबसे पहले लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में, जब किसी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया तो पानी हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हो जाती है, या हायर वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले रीजन की हो जाती है। अब एक टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सेल के अंदर, और बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो पानी हमेशा सेल से निकलकर बाहर आएगा क्योंकि उसका वाटर पोटेंशियल हायर होता है। सॉल्ट के ज्यादा होने से बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और अब पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। तो जैसे ही पानी बाहर आएगा एक्सोऑस्मोसिस के कारण, वॉल्यूम जो है सेल का थोड़ा सा डिक्रीज होने स्टार्ट होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल होती है, क्योंकि अब धीमे धीमे पानी बाहर आ रहा है, इसके कारण टर्गर प्रेशर धीमे धीमे डिक्रीज होता है। पानी के अंदर आने से टर्गर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब पानी बाहर आ रहा है तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब सेल वॉल अब प्रोटोप्लाज्म के द्वारा इतनी ज्यादा पुश नहीं होती जितनी इस कंडीशन में पुश थी, यानी कि अब जो उसका फोर्स है टर्गर प्रेशर का सेल वॉल पर, वो थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन हल्की सी श्रिंक हो जाती है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि अभी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच नहीं हुई है, मतलब कि पानी जब
बाहर आएगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल से अंदर, तो ट्रिगर प्रेशर घटेगा और सेल के मेम्ब्रेन हल्की सी श्रिंक होनी स्टार्ट होगी और इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस और लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। ये टोनोप्लास्ट होगी इसकी मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल के अंदर सेल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वाल, और सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से जितना भी मटेरियल इसने इंक्लूड कर रखा है, एनक्लोज कर रखा, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। अगर ये डिफ्यूजन पानी का बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू रहती है तो अब सेंट्रल वैक्यूल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्यों? सबसे पहले पानी जो होता है वो साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है और जब बाद में कंटिन्यू रहता है एक्सोऑस्मोसिस तो अब पानी जो होता है वो वैक्यूल से भी बाहर आने लगता है। तो सेंट्रल वैक्यूल अब पानी रिलीज करने लगती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि साइटोप्लाज्म से पानी बाहर जा चुका है पहले ही। प्रोटोप्लाज्म अब थोड़ा सा और श्रिंक होगा, प्रोटोप्लाज्म डिटैच हो जाएगा कॉर्नर से, अभी भी सेंट्रल पोजीशन में वो अटैच है लेकिन कोनों से वो डिटैच हो गया है और इट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज और लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में सेल मेम्ब्रेन इससे डिटैच नहीं हुए, वॉल्यूम उसका घट गया है, ट्रिगर प्रेशर कम हो गया है, इतना प्रेशर जितना वो पहले लगा रही थी अब प्रेशर इतना भी नहीं लगा रही, लेकिन अभी वो इससे डिटैच नहीं हुए, लेकिन इस वाले में भी डिटैच नहीं है लेकिन वो अभी कॉर्नर से डिटैच हो गई है क्योंकि लगातार एक्सोस्मोसिस से ट्रिगर प्रेशर घट रहा है। ट्रिगर प्रेशर घटने के कारण अब प्रोटोप्लाज्म कॉर्नर से सेल वॉल से डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है। थर्ड स्टेज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। अगर एक्सोस्मोसिस अभी भी कंटिन्यू रहती है तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म और लगातार चलता रहेगा, वो और पानी बाहर रिलीज करेगा। अब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से डिटैच होकर एक स्फेरिकल शेप ले लेगा और एक साइड में सेल के पहुंच जाएगा, इट इज कॉल्ड एविडेंट और फुल प्लाज्मोलाइसिस। और बाहर की तरफ से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच जाता है क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है। अब इस प्लाज्मोलाइसिस के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले एक लिविंग सेल को एक डेड सेल से डिस्टिंग्विश किया जाता है प्लाज्मोलाइसिस से, क्योंकि लिविंग सेल शो प्लाज्मोलाइसिस वेयर एज नॉन लिविंग डेड सेल कैन नॉट शो प्लाज्मोलाइसिस। अगर सेल प्लाज्मोलाइसिस शो कर रही है तो वो लिविंग है और अगर वो प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं कर रही है तो वो नॉन लिविंग यानी कि डेड है। सेकेंड वन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर हम इस इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इस एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस पर साई पी यानी कि प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है और हमने पढ़ा था कि साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साई एस प्लस साई पी, और अब साई पी हो गया यहां पर जीरो तो इसका मतलब साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साई एस। तो और साई एस का मतलब क्या होता था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि साई एस अब किसके बराबर होगा, साई डब्ल्यू के, इसलिए साई डब्ल्यू की वैल्यू से हम साई एस की यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थर्ड वन, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं और यूजफुल सब्सटेंसेस के न्यूट्रिएंट्स और अन्य रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उससे कंपीट करते हैं और उनको ले देते हैं, इसीलिए वीड्स को मारने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए इनकी रूट्स पर हम सॉल्ट्स का छिड़काव करते हैं, सॉल्ट को स्प्रिंग करते हैं। सॉल्ट के रूट्स के पास जाने पर रूट्स के चारों ओर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बन जाता है और रूट्स अब ऑब्वियसली हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं पानी वाटर हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की ओर जा रही है, रूट के चारों तरफ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब क्या है कि रूट्स हाइपोटोनिक हो गई और हाइपोटोनिक होने का मतलब पानी हर रूट का निकलकर बाहर आने लगेगा, रूट की सेल्स मरने लगी, रूट की डेथ हो जाएगी और प्लांट्स भी मर जाएगा और वो रिमूव कर दिया जाएगा। फोर्थ वन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर्स इन जैम एंड जेली। जैम्स और जेलीज में शुगर की हायर कंसंट्रेशन होती है जिसके कारण वो एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है और उस पर अगर कोई बैक्टीरिया फंगस फंजाई आ जाता है तो वो हाइपोटॉनिक हो जाता है और उसका सेल का पानी बाहर निकल जाता है और वो मर जाता है और शुगर की हायर कंसंट्रेशन जैम और जेलीज स्पॉइलेज से बच जाते हैं क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ नहीं हो पाती है। लास्ट वन, फिश
और मीट को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस पर सॉल्ट्स छिड़क दिया जाता है। सॉल्ट्स के छिड़कने से एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन डेवलप हो जाता है उसकी बॉडी पर और बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब आज हमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा, तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है कि डिटैचमेंट और श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिटैचमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। सबसे पहले पानी बाहर आता है साइटोप्लाज्म से, फिर आता है वैक्यूल से बाहर। तीन स्टेप्स में पढ़ा हमने, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें जब पानी बाहर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ सेल घटेगा, ट्रिगर प्रेशर घटेगा, लेकिन अभी भी प्रोटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन अब सेल वॉल से डिटैच नहीं हुए, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, ट्रिगर प्रेशर कम हो गया। इंसिपिएंट प्लाज्म में अगर डिफ्यूजन लगातार कंटिन्यू आगे चल रहा है तो अब सेंट्रल वैक्यूल भी कॉन्टैक्ट होने लगती है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होगा और अब प्रोटोप्लाज्म सेल के कॉर्नर से सेल वॉल से डिटैच होने लगेगा। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में अगर श्रिंकेज और चल एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू रही तो श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म और होगा और प्रोटोप्लाज्म एक स्फेरिकल शेप के रूप में सेल के एक कॉर्नर में पहुंच जाएगा। इट इज कॉल्ड एविडेंट और फुल प्लाज्मोलाइसिस। फंक्शन लिविंग सेल को डेड सेल से डिस्टिंग्विश किया जाता है क्योंकि डेड सेल प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं कियाती करती। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से मानता है क्योंकि इस समय साई पी की वैल्यू जीरो होती है, देयरफॉर साई डब्ल्यू की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही साई एस की वैल्यू होगी, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। वीड्स को किल किया जाता है क्योंकि वीड्स के चारों तरफ जो है रूट्स में अगर हम सॉल्ट का छिड़काव कर देते हैं तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है और पानी उसमें से बाहर निकलता है, सेल मरने लगती है रूट की और वीड मर जाता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर्स इन जैम एंड जेलीज प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिस क्योंकि अगर वो उस पर आ भी जाते हैं तो उनकी प्लाज्मोलाइसिस के कारण डेथ हो जाती है। और फिश और मीट्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस पर सॉल्ट छिड़क दिया जाता है जिसके कारण वो बैक्टीरिया की और फंजाई की ग्रोथ नहीं हो पाती और उसका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है।